वेलकम एवरीवन, यू आर वाचिंग फाइव टॉकिंग पॉइंट्स। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। आज के शो में हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया इज द न्यू एशियन चैंपियंस, और बिल्कुल चैंपियंस की तरह खेले हैं वो। और श्रीलंका से जिस तरह की हम उम्मीद कर रहे थे उस तरह से वो नहीं खेले। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है वर्ल्ड कप को लेके। हमारे जो पैनल हमारे साथ होता है उनके फेवरेट्स कौन से हैं वर्ल्ड कप को लेके, टॉप फोर हर एक ने बताया है, मैंने भी बताया, तो ये आपको वीडियो देख के पता चलेगा, शो देख के पता चलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में जो उल्टी सीधी खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कुछ हो भी रहा है या बस ये खबरें हैं, तो ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के शो में। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज, इंडिया से हमारे साथ मौजूद होंगे राहुल रावत, और ऑल द वे फ्रॉम कराची हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल गफ्फार, और हम डिस्कस करेंगे कल जो मैच खेला गया, फाइनल खेला गया। आपको पता ही है इंडिया एशिया का नया चैंपियन है, उस मैच के बारे में बात करेंगे। मैच के बारे में बात करने को वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, वहाब से शुरुआत करना चाहूंगी मैं। वहाब, इतना छोटा सा मैच है, इतना सा बिल्कुल बिल्कुल 100 बॉल्स भी जो थी इंडियन बॉलर्स ने नहीं ली और पूरी टीम को जो है बुक कर दिया। इस तरह तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतने बड़े टूर्नामेंट का फाइनल होना जिस तरह से ये हुआ। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया को बहुत मुबारकबाद, एशियन चैंपियंस बन गए वो लोग। और हमने देखा इस टूर्नामेंट में उन्होंने जितने भी क्रिकेट खेली काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो मैच है वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, या वो वन साइडेड, आप इसको वन साइडेड भी नहीं कह सकते, ये तो बस ऐसे ही था कि बस शुरू हुआ और खत्म हो गया। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है वहां, बारिश के चांसेस क्योंकि थे, तो एक कंडीशन ये भी थी कि 20 ओवर्स खेलना जरूरी है कोई भी रिजल्ट चाहिए, तो 20 ओवर तो हुए ही नहीं, जाहिर है सारी टीम आउट हो गई, बट 20 ओवर तो हुए ही नहीं। ऐसा बहुत बहुत कम होता है। मुझे लगता है कि शारजा में आकिब जावेद साहब ने इंडिया के 7 आउट किए थे, मेरा ख्याल है तब इंडिया एक लोवेस्ट टोटल पे आउट हुई थी। और आज आई थिंक सिराज को जितना भी हम लोग वो करें कॉन्ग्रेचुलेट या उसको अप्रिशिएट करें उतना कम है। किसी भी बॉलर के लिए 5 आउट करना विद इन 5 ओवर्स अपने स्पेल के, और मतलब उसने 6 आउट कर दिए थे पहले 5 ओवरों में या 6 ओवरों में, सो ये बड़ी 10 गेंदों पे उनके 5 आउट थे वहां। एग्जैक्टली, तो मतलब आप ये देख लें कि दैट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये लाइफ हर एक सोचता है रात को सोने से पहले कि मैं सुबह उठूं और सबको ऐसे ऐसे चुटकियों में आउट कर दूं, और आज वो सिराज ने कर दिया। तो बैड डे फॉर श्रीलंकन क्रिकेट, पूरा क्राउड आया हुआ था, हाउसफुल था, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड मैच, और उसके बावजूद जो है वो इतनी जल्दी मैच खत्म हो गया। तो इस तरीके से होना नहीं चाहिए था, बट इवेंचुअली इंडिया इज नाउ द एशियन चैंपियन, तो मेरा ख्याल है दे शुड एंजॉय दिस मोमेंट अ लॉट। या राहुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप लोग नए एशियन चैंपियन हैं, और ये फील काफी इंजॉय कर रहे होंगे इस एहसास को इंडियन फैंस, स्पेशली जो लास्ट ईयर का एशिया कप था उसका फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी इंडिया। और इस दफा आपने ये जिक्र किया था इसी शो में लास्ट एपिसोड में शायद, कि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो उस वक्त इंडिया की टीम थोड़ी सेटल नहीं लग रही थी और काफी सारे सवालात थे, लेकिन इंडिया की टीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है सारे सवालात के जवाब जो हैं वो दे दिए हैं, और अब क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, वो भी तब जब आप बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं। बिल्कुल इसमा, जब शुरू किया था हमने, मुझे याद है जलमी टीवी पे हम जब आना शुरू हुए थे तब सवाल बहुत ज्यादा थे, किसी के लिए सवाल कम थे, इंडिया के लिए बहुत सारे सवाल थे। और मैं तो इनफैक्ट ये है कि वहाब भाई ने आज शुरू किया, आज आपने मुझे क्योंकि एनालिस्ट के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे इंडिया का पर्सपेक्टिव के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाते हैं आप, बट क्योंकि जिस हिसाब से सिराज ने आज बॉल किया है, मैं तो इनफैक्ट खुद जब सुन रहा था वहाब भाई को, कि सोचते हैं ना रात को कि आप एक मैच से पहले कि मैं ऐसे बॉल डालूंगा, ये होगा वो होगा, और आप मुकम्मल कर दें, और ये तो ऐसी बात होती है कि आपने सोचा ही नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि यार आज हुआ क्या। कभी कभार क्या होता है कि आपने देखिए सिराज ने 4-5 विकेटें जब सुबह ले ली थी, शुरुआत में ले ली थी, उसके बाद ये होता है कि आप क्या 50 पे ऑल आउट कर देंगे, 102 पे आपने 102 सोच रहे होंगे, 150 सोच रहे होंगे, 120 सोच रहे होंगे, बट आपने वही होता है किलर पंच, आपने कहा कि नहीं आप खत्म करो इनको, खत्म करो, वो सबसे अच्छी चीज थी। या सही है। गफार साहब की तरफ आना चाहूंगी मैं। पहले तो ये जो डिसीजन था
ये हमने जो टूर्नामेंट देखा है उसमें टॉस जीत के बॉलिंग करनी है, आपको बैटिंग के लिए जाना है, ये तो एक बहुत ही टेक्निकल चीज थी। अब अगर हम सनाका का उस वक्त अपने जहन में रखें कि वो क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि बारिश के चांसेस थे, फिर भी उन्होंने जो है ऑप्ट किया कि बैटिंग करें, तो आप उनके इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं? टू बी ऑनेस्ट, जब ब्रेक हुआ आपको पता है कि रेन इंटरप्शन हुआ, तो मेरे दिमाग में ये आया कि कहीं उन्होंने कोई फैसला ऐसा नहीं कर लिया। लेकिन जब आप 50 रन पे ऑल आउट हो जाए या कोई सिराज जैसी बॉलिंग कर दे, फिर सारी थ्योरीज जो है ना चली आती है। आप इतना बुरा नहीं खेल सकते चाहकर भी, और आप चाहकर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते। ये एक वन ऑफ वंस इन अ लाइफ किस्म की परफॉर्मेंस होती है जो सिराज ने दिखाई, इंडिया ने दिखाई। अब वो शायद कभी खुद भी चाहेंगे रिपीट करना। इवन श्रीलंका, एक बात कह रहा हूँ, कोई और टीम भी चाहे तो 50 में तो आप आउट हो ही नहीं सकते। दूसरा, आपने जो बात की क्राउड की, तो मैं मजाक कर रहा था आपसे, तो मैंने कहा जितना प्यारा क्राउड आया था इन कब सबके, कम से कम आधे पैसे तो श्रीलंकन बोर्ड को वापस करने चाहिए। ये बड़ी ज्यादा हुई इनके साथ कि इतने सारे, ये सोच रहा था वैसे, हाँ आधे पैसे जरूर दे दें। बाय द वे, पीसीबी और एसीसी का भला जरूर हो गया कि मैच के पैसे बड़े अच्छे बन गए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, सिराज ने जो बॉलिंग की है, जैसे आई थिंक वहाब भाई ने सही डिस्क्राइब किया, खुद टेस्ट क्रिकेट खेले में पाकिस्तान के लिए इतना अर्सा खेले, ये ड्रीम में बात सोचते हो ऐसा कि यार काश मैं कभी ऐसा कर पाऊं, और कोई अल्फाज ही नहीं आई थिंक इस परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के सवाय इसके के माइंड ब्लोइंग किस्म की परफॉर्मेंस थी, जिसको आप समझ ही नहीं सकते कि यार कैसे हो सकता है ऐसे। लेकिन अगर आप देखें तो पूरा फायदा उठाया सिराज ने, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप एज अ बॉलर ये देखते हो कि कंडीशन थोड़ी सी मेरे लिए बहुत अच्छी है, तो कभी कभी आप जोर भी लगाते हो, कभी कभी आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो, आप थोड़े वेवर्ड भी हो जाते हो। बट सिराज ने जो चीज सबसे अच्छी मेंटेन की, अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी लाइन लेंथ पकड़ ली कि मुझे कहाँ गेन करना है, मेरा स्पॉट क्या है, और मुझे एग्जैक्टली मदद मिल क्या रही है। वो कहीं ग्रीडी नहीं हुए कि मैं लेफ्ट लेफ्ट टर्म पे गेन करके कोई ऑफ उड़ा दूं, उन्होंने कुछ ये नहीं किया कि मैं यॉर्कर करके कि कोई डंडा बजा दूं, मैं कोई बर्फ कोई बाउंसर करूं। प्योर उसने प्रोफेशनल डिस्प्ले किया, और माशाल्लाह है श्रीलंकन बैट्समैनों पर कि उन्होंने ठानी हुई थी कि हम सिराज को ये विकेट जो उन्होंने कुछ लेनी है वो तो देंगे ही, जो लेनी वो भी देंगे, मतलब एक शॉट है, एक उनका स्लॉग किस्म का उन्होंने मारा है। सो ये कॉम्बिनेशन है सिराज की आउटस्टैंडिंग डिसिप्लिन और श्रीलंका का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड टोटली ऑन कि जी आप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन हमने भी आपका पूरा साथ देना है। तो बहुत ही टेरेबल किस्म का बैटिंग डिस्प्ले भी था, जितना आउटस्टैंडिंग बॉलिंग डिस्प्ले था उतना ही टेरेबल जो है वो बैटिंग डिस्प्ले था। जैसे राहुल ने कहा, मैंने भी ट्वीट किया जब विलल आ गए और वो खड़े हुए थे मेंडिस, क्योंकि वो आखिरी उनकी होप थी। मैंने कहा चलो यार यहीं कुछ 40-50 जुड़ जाएंगे, थोड़ा सा रुथलेस ना हो इंडिया, वो भी नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है जी, फिर आज 50 ऑल आउट ही सही। महाब, जैसे अभी गफार ने जिक्र किया कि उन्होंने भी जो श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप थी, उन्होंने पूरा साथ दिया बॉलर्स का कि हमें हमें भी नहीं खेलना है। आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है पिछले मैच का, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंकन बैटर्स ने आके पाकिस्तानी बॉलर्स पे चार्ज करना शुरू किया था और उन्होंने रिक्वायर्ड रन रेट को जो है वो नजर में रखा हुआ था, उसको लेके साथ चल रहे थे, तो वो इंटेंट बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस मैच में भी हमें शायद वही इंटेंट देखने को मिला, शायद वही थॉट प्रोसेस था इस मैच को लेके। और जब आपकी इतनी सारी विकेट्स गिर गई तब भी आपने ये नहीं सोचा कि हम थोड़ा रोक के खेल रहे हैं, ये हमें दिखा नहीं, किसी ने भी कोशिश नहीं की कि वो रोक के खेलें। देखिए अब तो श्रीलंका हार गया है, तो उनकी हार को लेके, उनकी बैटिंग लाइनअप को लेके हम कोई भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो इसमें जब आप बॉल स्विंग हो रहा होता है ना, तो आपको हमेशा ये सिखाया जाता है कि आप एक स्विंग के लिए खेलें। जो सबसे अच्छी बात आज सिराज की बॉलिंग की थी कि आप ये देखें कि उन्होंने आउटस्विंग तो यही किए, लेकिन जो भी इनस्विंग किया वो लाइन से किया और इतना अच्छा किया कि बैट्समैन कम्प्लीटली उसमें उसको ही हैज नो आइडिया कि किस तरीके से खेला जाए। एक उन्होंने LBW किया और दो उन्होंने बोल्ड किए ऐसे जो बॉल अंदर आए। तो बात इतनी सी है कि श्रीलंकन बैट्समैन हैज नो आंसर टू हाउ टू टैकल द सिचुएशन या स्विंग, प्लान नहीं था। ऐसा लगा कि दे जस्ट केम इन एंड दे हैड जस्ट वन मिशन कि जी यू गो आफ्टर द बॉलिंग। लेकिन यू गो आफ्टर द बॉलिंग जब आपको समझ आती है बॉलर कर क्या रहा है, जब आप श्योर ही नहीं है कि बॉल अंदर आना या बाहर आना, और आप हर बॉल को चेस कर ही जा रहे हो और हर बॉल को खेल ही जा रहे हैं, फिर दैट मीन्स यू आर क्लूलेस। और उसका फायदा सिराज ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया। देखिए ना वो अंदर वाला बॉल खेल रहे थे, ना वो बाहर वाला खेल रहे थे, वो तो हर बॉल पे खेलने की कोशिश कर रहे थे। ये भी समझ नहीं आई कि किसी ने उनको ये बताया हो कि यार बॉल इतना ज्यादा स्विंग हो रहा है, अच्छी जगह से बॉल कर रहा है, आप थोड़ा सा टाइम ले लो, आप अंदर वाला बॉल खेलो, बाहर वाला बॉल ऑटोमेटिकली मिस हो जाता है। हमने बचपन से देखा है
कि अगर कोई बॉलर दो स्विंग कर रहा है, आप अगर सिर्फ अंदर वाले स्विंग पे खेलो, बॉल बैट नहीं निकालो, तो आपको अंदर वाला बॉल आप आराम से मैनेज कर देते हो, बाहर वाला खुद ही बीट हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इवन अगर हम देखें कि कुछ बॉल ऐसे थे जो ऑफ स्टंप के बाहर थे, दे इवन ट्राई टू चेस दैट। तो श्रीलंका का बेसिकली कोई प्लान नजर नहीं आया, दो तीन विकेट गिरने के बाद, चार विकेट गिरने के बाद भी कोई ऐसा प्लान नजर नहीं आया कि हमने 150 रन करने हैं। क्या होता है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो, अगर कोई बैट्समैन अच्छे शॉट्स खेल रहा होता है ना, तो एज ए बॉलर आप ये कोशिश करते हो यार मैं इसको सिंगल देके ना दूसरे को सामने ले आऊं। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये आज बहुत अच्छा खेल रहा है। इसी तरीके से जो बैट्समैन होता है ना, वो ये कहता है अच्छा यार आज इसका बॉल जो है ना वो बहुत अच्छा गिर रहा है, ये बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको टाइम ले लूं तो मैं दूसरे पे अटैक कर दूंगा। तो बेसिकली मुझे कोई ऐसा प्लान नजर नहीं आया। मैंने मैच जितना भी देखा है उसमें ऐसा ही लगा है कि इवन शिनाका को देख ले, वो अंदर के बॉल के लिए खड़ा है। भाई आप अगर अंदर के बॉल के लिए खड़े तो फिर आपने ऑन ड्राइव क्यों मार दो? जिस बॉल पे आप ऑन ड्राइव मारे हो, वो उसने इतना अच्छा बॉल बाहर निकाला कि वो आप टोटली बीट हो गए। टांग आपकी बॉल जब चला जाता था, बीट हो जाता था, उसके बाद आपकी टांग आगे जाती थी। तो सिराज कोई इतना क्विक बॉलर नहीं है या इतना स्पीडी बॉलर नहीं है जिसकी पेस 140 प्लस की हो, लेकिन उसका कंट्रोल आया जैसा था, उसकी लाइन लेंथ ऐसी थी कि उसने परेशान किया हुआ था। इस वजह से क्योंकि जब ड्रेसिंग रूम में एक बैट्समैन बैठ के देख रहा है यार बॉल अंदर भी आ रहा है, बॉल बाहर भी आ रहा है, तो वो सोच रहा होता है यार अगर इतना बॉल मूव कर रहा है तो मुझे करके जाना क्या है। सो आई थिंक के टेक्निकली अगर आप स्ट्रांग नहीं है, आपकी बेस स्ट्रांग नहीं है, आपका डिफेंस अच्छा नहीं है, तो जहां पे बॉल इतना स्विंग होगा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है राहुल, इंडिया की हमें पता है बिल्कुल अभी सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया आएंगे, इंडिया और तीन ओडीआई खेल रहे हैं, आपका अपना इस चीज के बारे में क्या ओपिनियन है? हम देख रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की, मैं मिसाल देना चाहूंगी आपको, कि इतना ज्यादा वो खेलते हुए आ रहे हैं तो उससे इंजरी के बहुत सारे हमें खदशात रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये टाइम रेस्ट देना चाहिए प्लेयर्स को, या फिर ये जो सीरीज है ये तैयारी में मददगार साबित हो सकती है वर्ल्ड कप की तैयारी में? इस बार इंडिया के लिए ना एक अच्छी चीज ये है कि आप ये देखिए कि मोहम्मद शमी जैसा बॉलर वो बेंच पे बैठा हुआ है, और मतलब जैसे वहाब भाई ने कहा, मैं बस वहाब भाई एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा कि मोहम्मद सिराज के पास मूवमेंट तो है ही, वो उनके पास ना पेस भी है, वो डालते हैं 140 के ऊपर डालते हैं वो। और आई थिंक आज जो श्रीलंकन्स ने किया, जब मोहम्मद सिराज ने एक आधे विकेट ले लिए तो रेपुटेशन पे खेल गए कि इनको विकेट नहीं देना है, और कभी कभार क्या होता है वो चले भी गए, छोड़ भी गए। मोहम्मद सिराज देखिए, मैं आई एम श्योर अब तो ये सबको पता है, जग जाहिर बात है ये बात कि मोहम्मद सिराज कौन है। मोहम्मद सिराज एक छोटे से हैदराबाद से एक जगह से आए, क्रिकेट खेलते थे, टेप बॉल वाइट बॉल। पाकिस्तान में आप अक्सर सुनते हैं कि आप ना मतलब गली मोहल्ले से सड़क से किसी भी, बिल्कुल 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 सही बात है। पाकिस्तान में तो ये मतलब ऐसा लगता है कि हर जगह आपके पास एक फास्ट बॉलर है। मोहम्मद सिराज, क्योंकि कहानी उनकी ऐसी हो गई है, इसलिए मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि जस्ट इन केस अगर आपके व्यूअर्स को नहीं पता है कि मोहम्मद सिराज जो है बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे, उनके फादर ऑटो रिक्शा चलाते थे, ऑटो रिक्शा और टेप बॉल, वो भी यही मतलब कॉस्को से इन टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे। सडनली देखिए आप उनको पकड़ा किसी ने, बट उन्होंने किसी की उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने ही मेहनत करी, उनके साथ किसी और ने भी मेहनत करी। क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी, ये दो फास्ट बॉलर थे जो RCB के लिए खेलते थे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते थे, और इंडिया के लिए भी खेले हैं दोनों। आज मोहम्मद सिराज कहाँ है? आई थिंक उन्होंने अपने लिए भी स्किल डेवलप करी है, उन्होंने अपनी स्किल डेवलप करी है, वो बाहर भी बॉल घुमाते हैं, अंदर भी लेकर आते हैं, और पेस भी है उनके पास, सब कुछ है। और प्लस आपके पास सबसे बड़ी बात, दूसरे एंड से आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह भी बॉल डाल रहा है। आप वही है कि आप यहाँ से नहीं बचोगे तो वहां से फंसना पड़ेगा आपको। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आज सब सारी बात यही होती कि श्रीलंका इजी टीम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पिनर्स हैं, आपका ट्रैक ऐसा होगा, बट सडनली आपको पता लगता है कि मोहम्मद सिराज आ रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूं कि पाकिस्तान का पेस अटैक बहुत अच्छा है, बट इंडिया का इफ नॉट बेटर एट पार है पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि आपके पास जो बोलिंग अटैक है वो किसी भी कंडीशन, ऑल कंडीशन अटैक है, ऑल फॉर्मेट अटैक है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज,
ये आपको हिंदुस्तान में भी मैच जिताएंगे, ये आपको श्रीलंका में भी मैच जिताएंगे, ये आपको इंग्लैंड में भी जिताएंगे, हर कंडीशन में जिताएंगे, हर फॉर्मेट में मैच जिताएंगे। आपके बोलर्स ने पिछले साल पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा किया है, आपको मैचेस जिताए हैं। बैट्समैन को ये है कि सडनली आपको पता लगता है कि आपका जब कॉन्फिडेंस होता है ना, ये सारी गेम कॉन्फिडेंस की है और ये टीम एफर्ट। आज मोहम्मद सिराज का ये हो गया कि भाई उन्होंने तो खैर पहली ऐसा डाल दिया कि 50 पे टीम पूरी ऑल आउट हो गई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आपको टीम एफर्ट की जरूरत होती है। शुभमन गिल ने पिछले मैच में इतना शायद से उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन 100 था आज तक का, पर मैच नहीं जिताए। अब क्यों? क्योंकि टीम एफर्ट शायद से नहीं था। टीम एफर्ट मतलब आपको एक टीम चाहिए होती है जीतने के लिए। वहाब रियाज साथ बैठे हमारे, वहाब भाई मोहाली में 5 विकेटें अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, मतलब पैक्ड हाउस, 5 विकेटें ली थी, टीम नहीं जीती। क्यों नहीं जीती? क्यों? आपने कैचेस भी ड्रॉप करी, आपकी फील्डिंग भी कमजोर हुई उस दिन, आपकी बैटिंग भी कमजोर हुई। आपको एक टीम एफर्ट, ये होता है सिंगल हैंडेडली आपने एक ऐसा मैच जिता दिया। जैसे शुरुआत में बाप भाई ने बोला कि आप सोचते हो सिर्फ ऐसे मौकों के बारे में, एक फाइनल है तो होपफुली ये एक शुरुआत है। अभी 2 महीने और हैं, 1.5 महीना और है या 1 महीना और है, होपफुली इंडिया के लिए। आज इंडिया मतलब यहाँ से ऐसे लेकर जा रही है कि हमें वो हम कंटेंडर पहले भी थे, आज भी थे। मेरा अभी भी मानना है कि इंडिया ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से बेहतर हुई है, बट इंग्लैंड इंडिया ने आज भी कंसोलिडेट करी अपनी पोजीशन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेवरेट फॉर दैट वर्ल्ड कप। ठीक है भाव, आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी मैं। बहुत से लोग हमारे मीडिया में भी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कोई सीरीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से इंजरीज हमने देखी हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवर द वर्ल्ड, इतनी सारी क्रिकेट हो रही है। अभी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी, फिर इंग्लैंड न्यूजीलैंड की चल रही थी, फिर न्यूजीलैंड को बांग्लादेश से खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया को अब इंडिया से खेलना है। सो इतनी सारी क्रिकेट वर्कलोड मैनेज करना कितना जरूरी है बड़े टूर्नामेंट से पहले, और आपका अपना क्या ओपिनियन है कि पाकिस्तान की टीम की क्योंकि कोई सीरीज नहीं है, लोग कह रहे हैं कि प्लान करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि प्रेफरेंस ही होनी चाहिए कि आप अपने प्लेयर्स को रेस्ट दें इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले? नहीं, इस पर मैं मुझे ऐसा लगता है कि बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले आपको पूरा वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और सीरीज ना होना इस टाइम पे पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है। और आई स्टिल बिलीव कि आपके पास मौका है कि आप अपने पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान ए के 3-4 मैचेस के लिए बताएंगे इसके कंपेटिटिव क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो आप सीखते हैं। हमारी टीम में जो सबसे बड़ा इशू है, उस दिन भी मैंने बात की थी, इस कमी है इस टीम में एक्सपीरियंस की। वो एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है जब पहले 4 टॉप बैट्समैन आपके खत्म हो जाते हैं और आपके पास एक एक्सपीरियंस बॉलर है जिसका नाम शाहीन शाह अफरीदी है, जो 2017 से खेल रहा पाकिस्तान टीम में, ठीक है जी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास वो एक्सपीरियंस हो, 50 ओवरों की आपको समझ आए, आपको इनिंग्स बिल्ड करना आए। देखिए, हमारे से श्रीलंका ने मैच क्यों जीता, क्या उन्होंने हमें आके बड़े शॉट्स मारे थे उस दिन? नहीं, उनका प्लान बहुत क्लियर था कि हमने सिंगल डबल्स पे खेलना, और उन्होंने आपके फील्डर्स के हाथ से 2-2 रन लिए, ठीक है जी। उन्होंने प्लेस किया बॉल और 2 भागे, फिर प्लेस किया 2 भागे, शॉट्स उन्होंने नहीं मारे, लेकिन उन्होंने अपनी गेम को डेवलप किया बड़े तरीके से वो खेले। हमारे में क्या इशू है, हमारे लड़के बुरे नहीं है, हमारे लड़के अच्छे हैं, लेकिन उनमें जो कमी है वो एक्सपीरियंस की कमी है। आई स्टिल बिलीव कि आपको एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर चाहिए, बेशक वो हसन अली की शक्ल में क्यों ना हो, यू नीड वन। आपकी जरूरत है, वर्ल्ड कप जरूरत है। अगर इंडिया 2000 जो पिछला T20 वर्ल्ड कप गुजरा था उसके लिए अगर आशीष नेहरा को तैयार करके ला सकते हैं, तो पाकिस्तान को अगर जरूरत पड़े तो उनको चाहिए कि वो अपने जो बॉलर्स हैं उनको लेकर आए, जो उनके एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं। वर्ल्ड कप एक कोई छोटी स्टेज नहीं, एक बहुत बड़ी स्टेज है। इंजरी की अगर हम बात करें तो देखें, इंजर कोई भी हो जाता है, बट आपको खुद से ख्याल रखना पड़ता है कि आप क्या चाहते हो। सिराज की मिसाल दी राहुल भाई ने, मैंने सिराज को तब हाईली रेट किया था जब ऑस्ट्रेलिया में एक फास्ट बॉलर रह गया था टेस्ट मैच में, और एक इंजरी हो गई थी और सिराज वाज द ओनली वन जो बॉलिंग करी जा रहा था, और उसने वो आखिरी टेस्ट मैच, जो चौथा टेस्ट मैच इंडिया जीता था और जो सीरीज जीता था पहली बार ऑस्ट्रेलिया में, उसका क्रेडिट सिराज को जाता था। और उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की कि हो सकता है
मेरी नजर से 140 प्लस रेगुलर ना उनका गुजरा हो, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं इतना ज्यादा फॉलो नहीं करता, नहीं। लेकिन अगर वो 140 पे भी बॉल डालते हैं तो ही हैज डेवलप्ड हिज स्किल्स। आप ये देखें कि मोहम्मद शामी जो है वो अगर बेंच पे बैठे हैं और सिराज खेल रहे हैं तो इसका मतलब है सिराज बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि मेरी नजर में मोहम्मद शामी इज अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन कुछ पिछले टाइम पे उनकी भी वो फॉर्म नहीं रही। सो इट इज अ गेम, जब भी आप जीतेंगे ना, आप सारों की मेहनत से जीतेंगे, किसी एक अकेले के इंडिविजुअल से, ऐसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आपको एक आधा मैच जीतेंगे जो आज इंडिया जीता है। अदरवाइज यू नीड अ टीम परफॉर्मेंस, यू नीड टीम सपोर्ट। आपको उस तरीके से खेलना पड़ता है, आपको उस तरीके से अपने आप को लेके चलना पड़ता है। फॉर मी, मेरा ख्याल, हम लोग बातें बहुत करते हैं पाकिस्तानी, हर एक बंदे का अपना ओपिनियन है, हम हार गए हैं, एशिया कप से बाहर है, हम सबको बहुत ज्यादा गुस्सा है, हम सारे गुस्सा निकालते हैं एक बात के पीछे जो मीडिया पे चल जाए, बस हम लोग अपना दिमाग नहीं लड़ाते। भाई बच्चे अनफिट हो गए हैं, खेलेंगे तो अनफिट हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अनफिट हो जाता लड़का, सब होते हैं, दुनिया में होता है, स्टार कितना ज्यादा अनफिट होता है, सारे होते हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ प्रोसीजर कि आपने उनको लेके चलना कैसे। मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, दैट इज समथिंग व्हिच इज डिसएडवांटेज फॉर अस, बट एट द सेम टाइम अगर हमारी कोई सीरीज नहीं है, प्लान नहीं है, तो आप कहें कि यार चार मैचों की सीरीज खेलेंगे हम आपस में, पांच मैचों की सीरीज खेलेंगे हम आपस में, डेढ़ महीने का वर्ल्ड कप है तो हम लोग प्रैक्टिस है वहां पे कम कर लेंगे, लेकिन अभी आपको जिस चीज की जरूरत है वो मैच प्रैक्टिस की जरूरत है, आप आपस में मैचेस खेलें। ठीक है, गफार साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं। अच्छा, एक मीडिया पे बहुत न्यूज, एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाई जा रही है, जब से पाकिस्तान वो मैच हारा है श्रीलंका के बाद, उसके बाद एक से अगले दिन एक से एक नई खबर आ रही है, और स्पेशली जो जिस खबर पे मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे, वो है जो गुफ्तगु हुई है बाबर और शाहीन के बीच में, इसकी स्टोरी क्या है? मतलब जो जवाब दे रहे हैं शाहीन, अगर बाबर बात करें, जो बातें मीडिया पे आई हैं उससे तो ये लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल डिस्कशन है और मीडिया उसको ग्लोरीफाई करके दिखा रहा है, क्योंकि टीम से परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। अगर इसी टीम ने परफॉर्मेंस दी होती तो कुछ भी हो रहा होता ड्रेसिंग रूम में, वो कभी बाहर नहीं आता। अच्छा देखिए, मैं बड़ी आप ऑनेस्टली से बात करूंगा कि मैंने ना तो खबर रिपोर्ट की है और ना मैंने प्रॉपरली इसको रीचेक किया। ऐसी खबरें आती हैं, आप खुद इमेजिन करें, मुझे वो सफराज अहमद की कैप्टनसी याद है जब हम इंडिया से मैच हारे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो भी इतना मैच हुए, ये हर मैच के बाद आती है। आप राहुल से पूछते हैं, जब जब इंडियन टीम माजी में आ रही है, ये खबर हमेशा आएगी, और ये एक खबर है जो इज्यूम भी की जा सकती है, ये वो खबर है जो आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ डिटेल में जाऊंगा, बिकॉज मेरी जो एक यू नो जर्नलिज्म की ट्रेनिंग है, आई नेवर कमेंट ऑन माय कलीग यू नो स्टोरीज, लेकिन मेरा अपना सिर्फ ये ख्याल है कि बेहतर चीजें ये है कि जो सिलेक्शन अब आपने वर्ल्ड कप में क्या करनी है, आपकी क्या काउंटर स्ट्रेटेजी हो सकती है, आपको रिप्लेसमेंट क्या करने हैं। जो वहाब भाई बात कर रहे थे कि अगर आपके ठीक है फास्ट बॉल इंजर्ड होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये देखना पड़ेगा ना कि हमने बैकअप कभी बनाने की कोशिश की करनी है नहीं करनी है। लीग क्रिकेट वाली जो डिस्कशन मैंने लास्ट टाइम की थी, मैं तो ज्यादा ये चाहूंगा कि अब जो हुआ तो हुआ, देखिए ऐसा नहीं है। मैसेज भी करके मुझे कहा कि अनफिट हो गया, मैं ठीक कह रहा था, वाह भाई आपने मेरी बात मानी नहीं, जब नसीब की खबर आई है स्पेसिफिकली आपने मुझे मैसेज किया। देखिए राहुल भाई जो बात कर रहे थे ना अभी, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि देखें, ये मुझे याद है कि राहुल और विक्रांत की मैं कोई डिस्कशन सुन रहा था एशिया कप से पहले, और मैं उस बात से एग्री करता हूँ, पता नहीं राहुल भाई और विक्रांत भाई अब करते नहीं करते, विक्रांत भाई से राहुल भाई जरूर पूछेगा, मैं खुद भी उनसे पूछ लूंगा बाय द वे, कि देखिए एशिया कप जब शुरू नहीं हुआ था तब एक बात सबने गई थी कि चाहे पाकिस्तान जीते चाहे भारत जीते, चाहे दोनों फाइनल खेलें चाहे दोनों फाइनल ना खेलें, हमेशा वर्ल्ड कप एक अलग चैप्टर रहेगा। ये मेरा भी मानना है कि अगर पाकिस्तान अपने फुल स्ट्रेंथ या नियर फुल स्ट्रेंथ पे जाए तो पाकिस्तान को आप एकदम से डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो। सिमिलरली शायद आज मैं भी अपने शो में एक दो लोगों से बात कर रहा था कि बजाहिर इंडियन टीम में अभी कोई खामी नजर नहीं आ रही, और वाकई ऐसा है। अगर आप उनकी टीम को देखें, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे मिड ऑर्डर हो, वहां पे सूर्य कुमार यादव जैसा बंदा जो है वो अब तक उस तरह से चल नहीं पाया, तो ऐसे तो बैकर्स बैठे हैं जो T20 के यू नो बड़े जायंट्स हैं, फिर उनके पास शामी बैठे हुए हैं, अश्विन और चहल सिलेक्ट नहीं हुए जो कभी भी इंडियन टीम में वॉक इन कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े। लेकिन एक ना एक फैक्टर क्या रहता है, वो है परफॉर्मेंस का, प्रेशर का फैक्टर। सो मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान को ये सोचना है अपने लिहाज से, फॉरगेट अबाउट कि इंडिया क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कितना तगड़ा हो गया है, साउथ अफ्रीका में क्लासन क्या कर रहे हैं, बेन स्टोक्स क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान शुड कंसंट्रेट कि हमें क्या करना है और हम कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल सकते हैं।
आई थिंक पाकिस्तान के पास पूरा वर्ल्ड कप पड़ा है, लाइक एनी अदर 10 टीम, हम नौवीं टीम, दसवीं टीम है. अगर आप प्रॉपर चीज लेके चलो, आपको शायद 3 या 4 बड़े मैच हैं, एक दो मैचेस तो आप जीत ही जाते हो जो आप बाकी के अपनी लेसर टीमों से खेलते हो. बट आई थिंक पाकिस्तान को इस खबरों से दूर रहना चाहिए, हमारे मीडिया को भी, हमारे फैंस को भी. मीडिया का तो खैर नहीं, उनको जो मिलेगा वो तो हम देंगे, ये तो एक उनकी समझ ले ब्रेड एंड बटर है जी. खबर होगी बारी आई है तो कह दिया कि बस हम तो करेंगे किसी भी, और बोर्ड को गिरा दो, तो ये सोचना है कि वो बेहतर कैसे होंगे जी. गफार भाई आपने, मैं बस ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पिछली जो हमने पिछला एपिसोड किया था उसमें भी भाव भाई ने एक्सपीरियंस की बात करी थी, और दूसरी चीज जो गफार भाई ने अभी कही है कि मेरा मानना है, मैं तो हमेशा मानता हूँ कि अगर आप कागजों पे देखें इंडियन टीम से बेहतर कोई टीम ही नहीं है. जस्ट दैट कि आप अपनी ट्रू पोटेंशियल पे खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई थिंक इंडियन टीम इज द बेस्ट. बट अब शायद से आपको हमें आगे जाना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि आप रन बना रहे हैं बट वो किस तरीके से बना रहे हैं वो देखना पड़ेगा आपको, कि आप कितने रन बना रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप किस तरीके से रन बना रहे हैं. आज की डेट में अगर आप इंग्लैंड में देख लें, कोई ग्रेट नहीं है उनके पास. ऑस्ट्रेलिया के पास अगर आप, उन्होंने जो इंग्लैंड ने आज वर्ल्ड कप अपना मॉडिफाई किया, अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड 15 मेंबर स्क्वाड जो उन्होंने एक जेसन रॉय को हटा दिया उसमें और हैरी ब्रुक को लेकर आए हैं, ग्रेट कोई नहीं है उनमें, ग्रेट कोई नहीं है, बट उनको पता है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड जीतने वाला चाहिए हमें. हो सकता है इंग्लैंड ना जीते वर्ल्ड कप, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ना जीते, बात वो है कि तरीके को हमें, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस ऑब्सेशन कि हम नंबर वन हो गए हैं, हमारा प्लेयर नंबर वन हो गया, नहीं इससे मैटर नहीं करता. हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, क्या आपके पास, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, आपने हमेशा यही कहा है कि जी फास्ट बॉलर हमारे जी इंडिया की या फलाने टीम का, हमारे फास्ट बॉलर्स वर्सेस उनके बैट्समैन, हमारे यार आपके बैट्समैन कहाँ हैं, क्या आपके पास वो टीम है. और हमारी पिछले एपिसोड में भी ये बात हुई थी कि आपको ये जो फॉर्मेट है इस वर्ल्ड कप का, यहाँ पे ऐसा ये होगा कि आपको ये देखना होगा कि भाई जो बेस्ट टीम, जो बेस्ट 4 टीम्स होंगी वही पहुंचेंगी. पिछली बार इंडिया ने भी सेमीफाइनल खेला था, पाकिस्तान ने भी सेमीफाइनल खेला था, बट दे वर नॉट द 2 बेस्ट टीम्स टू रीच द सेमीफाइनल्स. व्हाई? बिकॉज़ उन्होंने, आप देखिए इंडिया ने एक बड़ी टीम को हराया था, उसका नाम था पाकिस्तान, दैट्स इट. उसके अलावा किसी बड़ी टीम से इंडिया नहीं जीता था. पाकिस्तान ने एक बड़ी टीम को हराया था, वो था साउथ अफ्रीका, और उसके बलबूते पे वो सेमीफाइनल्स खेले थे. ये फॉर्मेट ऐसा नहीं है. क्या पाकिस्तान उतनी अच्छी टीम है कि 9 मैचेस में वो जीत कर सेमीफाइनल खेल ले? इस वक्त आपको दिखता है स्पेशली ये हो सकता है कि जो हम बात करते हैं, इसमें आपने जो अभी पूछा गफार भाई से कि क्या ये जो अंदर जो दिख सुनने में आ रहा है कि भाई शाहीन का और बाबर का जो भी मसला हुआ है जैसा भी है, ये सही है ये गलत है, मुझे नहीं पता इसमें 0.1% भी सच्चाई है या नहीं है, बट ये मसला सामने आना ही हो सकता है टीम के लिए बहुत अच्छा ना हो इस मोमेंट पे. ठीक है वहाँ नसीम शाह इंजर्ड हैं, क्लेरिफिकेशन जो है अभी पीसीबी ने तो उसको कंफर्मेशन नहीं दिया. बाबर ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पहले कुछ मैचेस के लिए हो सकता है अवेलेबल ना हो, लेकिन जिस तरह से एक वेबसाइट जो है बड़ी क्रेडिबल वेबसाइट वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि नसीम शाह के कोई चांसेस नहीं है कि वो वर्ल्ड कप में जो है वो टीम का हिस्सा बन सके, कितना बड़ा ब्लो है ये टीम पाकिस्तान के लिए कि आपका प्रीमियम बॉलर जो है वो हिस्सा नहीं होगा जिस पे आप रिलाई कर रहे थे, जो हम कह रहे थे पेस ट्रायो हमारा और हमारी पेस फैक्ट्री, और उसमें से एक का मिसिंग होना जाहिर है प्रॉब्लम तो है अब पाकिस्तान के लिए. नहीं नुकसान होगा पाकिस्तान को, उसकी वजह ये नहीं है कि पेस ट्रायो, आई थिंक नसीम जो था वो पिछले कुछ अर्से से पाकिस्तान का रेगुलर मेंबर था, और कोई भी ऐसा प्लेयर आपकी टीम का जो रेगुलर मेंबर हो और वो स्क्वाड से बाहर हो जाए, जिसका आपको पता है कि 100% खेलना, तो वो एक सेटबैक होता है. बट इवेंचुअली मैं कोई बात करूँगा, देखिए आपके पास बॉलर्स की ऑप्शन है, यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट टू पिक अ स्मार्ट बॉलर, और हमने वो देखा है कि वो समबड़ी लाइक हसन अली, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने आपको टूर्नामेंट जितवाए हुए हैं, उसने आपको मैच जितवाए हुए हैं. हो सकता है ही माइट नॉट बी इन द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म, बट आपके पास एक जो पैक है फास्ट बॉलर्स का वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके पास हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल हो, या आपको पूरा
है अगर ये नहीं खेलेगा तो क्या होगा, क्योंकि देखे ना नसीम नहीं खेल रहा तो वी आर थिंकिंग हमें क्या करना पड़ेगा. सो यू नीड बड़ी आई नो कि जमान अच्छा है, ऐसी बात नहीं कि जमान अच्छा नहीं है, बट जमान हैजंट प्लेड वन डे क्रिकेट. तो जिसने वन डे क्रिकेट नहीं खेली उसको वन डे का एक्सपीरियंस उस तरीके से नहीं है. और उस दिन भी ये राहुल भाई बात कर रहे थे कि हमने उसका बॉल स्विंग होते हुए देखा ही नहीं कि वो बॉल स्विंग करता है. He is not somebody who swings the ball. Zaman is not somebody who swings the ball. Lekin he was effective when the game situation is being very mushkil mein ho. Kyunki uska action aisa hai jisme aap usko deceive kar sakte ho action mein. Sri Lanka ko isliye problem nahi hui zyada kyunki they have 2-3 bowlers with the same action. Yeah. Theek hai na, to unko itna zyada koi masla nahi hua. तो आई बिलीव के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. यू नीड एक्सपीरियंस टू विन टूर्नामेंट्स, टू विन मैचेस. यू क्वाइट नीड यंगस्टर्स टू विन मैचेस, बट यू नीड एक्सपीरियंस टू विन द टूर्नामेंट्स. तो आई बिलीव के नसीम का पाकिस्तान टीम को नुकसान है. आई होप कि वो जल्दी फिट हो जाए, पाकिस्तान को दोबारा जल्दी रिप्रेजेंट करे. बट इफ नॉट नसीम, आई विल गो विद हसन अली. ठीक है गफार भाई, आपसे जानना चाहूंगी, एक तो हमें बता दें कि स्क्वाड, क्योंकि आज कल जो है गुज़िश्ता रोज मीटिंग हुई सिलेक्शन कमेटी की, कप्तान भी इसमें मौजूद थे और कहीं ना कहीं तक बातें की गई हैं और ये बात भी बाहर आई है कि ज्यादा चेंजेस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और ऐसे कुछ चांसेस नहीं है. क्या खबरें हैं अंदर की, बताएंगे कुछ? देखिए, हर उस टीम की तरह जो बिल्कुल मेगा इवेंट से पहले एक और यू नो बड़ा टूर्नामेंट जिसमें वो बिल्कुल ना चल सके, फाइनल में ना जा सके, वो पाकिस्तान भारत जैसी टीमें हो, सब में पैनिक बटन तो एक नेचुरल किस्म का रिएक्शन है. देखिए, अभी तकरीबन शायद आपकी टीम बुध जुमेरात तक अनाउंस हो जाएगी और दो तीन सेलिब्रेशन है. आपका जो स्पिन अटैक है वो आपके लिए बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है कि वहां आपने कैसे गुंजाइश करनी है. उसामा मीर खेल रहे हैं, फिर ड्रॉप हुए, उनको चांस नहीं मिला. सो कुछ खबरें ये हैं कि अबरार अहमद, चूंकि उनके लिए ज्यादा जितनी बात की जा रही है कि दुनिया ने उनको खेला नहीं है, फिर वो शायद तक T20 के बॉलर नहीं है, वो ग्रेड टू या फर्स्ट क्लास भी खेले हुए, आपको याद होगा PSL में भी एक जमाने में आए थे. तो कुछ मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं कि अबरार अहमद के नाम पर इस वजह से बातचीत हो रही है. सरफराज अहमद बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू प्ले स्पिन वेल इन यू नो मे बी इन इंडियन कंडीशन, बट ये अभी इस पोजीशन में हम नहीं है, क्योंकि आपने ये भी पढ़ लिया होगा कि अभी जो मंडे आपका आ रहा है, मंडे ट्यूसडे जो बिजनेस आपके डेज हैं, इसमें आपकी बहुत सारी डिलिब्रेशन होनी है, आपकी बहुत ज्यादा डिस्कशन होनी है. तो अभी जब वही नहीं बैठे तो हम तो इस पर 15 बना के बैठ नहीं सकते. बट मुझे ऐसे लगता है कि जरूर कोई एक सरप्राइज एलिमेंट मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है जो माइट भी आपको जो है वो अबरार की सूरत में नजर आए. सरफराज की सूरत में शायद आप एक रिटर्न जाओ, या हसन अली की जैसे अभाव बात कर रहे थे कि शायद आप ऐसे मौके पर जब आपके पास सीरीज होती है तो आप बड़े इवेंट पर एक रॉ मटेरियल की जगह थोड़ा सा एक्सपीरियंस देखना चाहते हो कि उन्होंने माजी में किया हुआ है, वो शायद इस टीम को लेकर भी चले, कुछ आपको कंफर्ट भी हो जाता है. तो मुझे भी ऐसी कोई फील आ रही है कि आप कोई एक आध एक्सपीरियंस प्लेयर का जरूर कम बैक कराओगे और एक आध कोई आपको स्पिन डिपार्टमेंट में शायद सरप्राइज दिखाई दे. ठीक है राहुल, आपसे लेकिन पहले उसामा मीर की जगह सुनने में आया, अब गफार भाई इसको शायद कंफर्म कर सकें. उसामा तो अच्छी बॉलिंग कर रहा था पिछले कुछ वन डेज में, अगर एक आधे वन डे में उसामा को आपने अफगानिस्तान सीरीज में ड्रॉप किया फिर आप उनको लेकर नहीं आए, ऐसे लगा जैसे आपका कॉन्फिडेंस तो अगेन बात हो गई कि उसामा बात. मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि अगर आप एक दफा पिक करते हो तो फिर आप उस प्लेयर को जो है ना वो फिर आप उसको पूरा बैक करो. अब आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने उसको वर्ल्ड कप के लिए बना दिया, दो मैचेस में वो नहीं चला, आपने उसको एशिया कप में चांस ही नहीं दिया. तो ऐसे तो फिर आप किसी भी प्लेयर यानी अबरार को भी आप ला के छोड़ दोगे, नहीं खिलाओगे तो वो भी इसी पोजीशन से गुजरेगा. ठीक है राहुल, इससे पहले कि प्रोग्राम हम खत्म करें, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी टीम इंडिया के हवाले से. टीम इंडिया का जो स्केड्यूल है वर्ल्ड कप का, अगर हम देखें तो उनको सारे मैचेस मुख्तलिफ शहरों में खेलने हैं, तो इसकी कोई कंप्लेन है आप लोगों को? मैं जानना चाहूंगी आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज को लेके कि इतनी सारी ट्रैवलिंग करनी है उनको पहले मैचेस खेलने के लिए. प्लेयर्स टीम के लिहाज से कोई कंप्लेन नहीं है, बट अगर आप मुझसे पूछे मेरी कंप्लेन हो सकती है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप बहुत कम आता है आपके पास जब आपको होस्ट करने का मौका मिलता है, फिर चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या ओलंपिक्स हो, बहुत कम मिलता है. तो आप भी चाहते हैं कि आपके जितने जितने शहर हैं वहाँ पे मौका मिले उनको होस्ट करने का, क्योंकि
आप नई ऑडियंस भी लेकर आते हैं, बहुत सारी और चीजें होती हैं, बट मुझे लगता है जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, आई जस्ट होप कि वो इंडिया के साथ ना हो, कि आप इतनी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मतलब आपने 9 मैच खेलने हैं, 9 अलग अलग शहरों में आपने वो मैचेस खेलने हैं, उसके बाद आपको सेमीफाइनल, अगर फाइनल, अगर आप सेमीफाइनल और फाइनल पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना ये फटीग फैक्टर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, आप कहते हैं जैसे पाकिस्तान को 5 वेन्यूज पे खेलना है इंडिया में, वो फिर भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि बेहतर है, बट आई जस्ट होप बस इंडिया का ये है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और जीत से, मतलब जो होता है ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड ये, तो उस लिहाज से फेलियर हमेशा और बन गया आया आया पूरा कर दूं मैंने सोचा मैं फेलियर्स हैव नन बेसिकली तो मैं आप आज की रेट में मैं भी ये बोलूंगा मैं भी बहुत खुश हूं, बस ये है कि अब आपको ना हर चीज बहुत देख के करनी पड़ेगी। फटीग जो है वो हम माने या ना माने, वो फर्क होता है। ट्रैवलिंग इट कंज्यूम्स यू, बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस पे फर्क पड़ता है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो मुझे लगता है पाकिस्तान, जो गफार भाई ने भी पिछले मैच में, पिछले एपिसोड में बोला था कि यार हम सारी लीग्स खेलनी है, हमें पैसा भी कमाना है, हमें लीग्स भी खेलनी है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको वर्ल्ड कप से पहले आपको बस वो है, इसलिए मुझे लगता है इंजेक्शन जो है ना आपको सही लगा, जीत का इंजेक्शन है, ट्रॉफी का इंतजार था, मल्टीनेशन जो 2018 में आपको मिली थी, 5 साल हो गए आज इंडिया को मिली, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। और एशिया कप है, मैं मानता हूँ इंडिया वर फेवरेट्स बिफोर द वर्ल्ड कप, बट वो बोलना अलग बात होती है, जीतना अलग बात होती है। यहाँ पे पाकिस्तान भी था कहने को, आप बोल सकते हो श्रीलंका जिन्होंने तो क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप के लिए, बांग्लादेश को आप बोलते हो कि जी मिनोज है, उन्होंने आपको हरा भी दिया, अफगानिस्तान भी है, सब कुछ बनाया गया था, बट जीतना अलग होता है। क्यों जीतेंगे, कभी कभार ऐसा होता है ना, आप अगर आप बांग्लादेश को हरा देते, अफगानिस्तान को आपने हरा दिया, नेपाल को हरा दिया, वो बोलना बड़ा आसान होता है कि यार नेपाल को ही तो हराया, अफगानिस्तान को ही तो हराया, बट अगर आप सोचो छोटी सी परफॉर्मेंस, एक फेलियर जो है, एक प्लेयर का फेलियर, एक बैट्समैन का फेलियर या फिर एक बॉलर का फेलियर, वो ये कहता है यार इनके अगेंस्ट भी रन बना पाए, इनको भी नहीं आउट कर पाए, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। बट जो आपने पूछा इस्मा, वो एक फैक्टर हो सकता है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा ट्रैवल है। ठीक है, अब आप सब लोग मौजूद ही हैं यहाँ पे, तो मैं इस बात का जरूर फायदा उठाना चाहूंगी, वहाब से शुरुआत करना चाहूंगी मैं। वहाब, कौन सी टीम आपकी फेवरेट है फॉर द वर्ल्ड कप? पाकिस्तान। वेरी गुड, ये राहुल, आपकी इंडिया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ओके। पर भाई आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? देखिए आखिरी दो वर्ल्ड कप जीतने वाले जो टीम है इंग्लैंड, उनका लेवल कुछ और है, जिस लेवल पे सिर्फ कंडीशन में वो कैसा खेल सकते हैं ये मुझे देखना है, लेकिन दे लुक वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने और मैंने क्रिकेट मतलब उस लेवल पे तो नहीं खेली, पर वर्ल्ड कप मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम देख रहे हैं ना, कि ये 400-350 क्योंकि वहाब भाई हैं, इसमें आपने थोड़ा फायदा उठाया। मैं बस एक सवाल इतना पूछना चाहता हूँ वहाब भाई के, इतना आसान होगा वर्ल्ड कप में फ्लैट ट्रैक्स भी अगर आपको मिलते हैं, कि हर मैच में जैसे बैटिंग कर रहे हैं 400-450 रन 350 रन वर्ल्ड कप में बनाने इतने आसान होंगे? देखिए राहुल, इंडिया में बैटिंग विकेट्स हैं, आउटफील्ड बहुत तेज है और बाउंड्रीज छोटी हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बट जो एक प्रेशर रहेगा ना वर्ल्ड कप का, वो ऑलवेज बी ऑन द हेड, मैच जीतना ऑलवेज बी ऑन द हेड। आपको कुछ मैच जरूर मिलेंगे जो आपको 300 प्लस होंगे, 350, 325 कुछ मिलेंगे, लेकिन मोस्टली जो होंगे ना दैट दे विल स्टे अंडर 280-310 और 350। मुझे भी ये लगता मोस्टली मैचेस का रिजल्ट यही होगा, क्योंकि द बेसिक थिंग इज के इवन दो आपके पास ये जो हम बात करते हैं जी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलना है, खुल के खेलना है, ऐसे खेलना है, आप इंग्लैंड ने उसकी मिसाल सबसे अच्छी अगर कायम किया तो आप देख लें भाई, इंग्लैंड में ही जो सीरीज इन्होंने खेली है
इसके साथ न्यूजीलैंड के साथ तो सिर्फ एक मैच में 350 किया, बाकी तो देवर ऑलवेज देयर 300 310 15, व्हिच इज नॉट नॉर्मल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. 300 रन 290 रन 295 रन. तो मेरा नहीं ख्याल 350 वाले मैच कुछ मैच होंगे, बाकी सारे जो होंगे वो 310 315 वाले होंगे, उससे अंडर होंगे. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. अच्छा कुछ और पूछना चाहेंगे राहुल आप इससे पहले कि मैं बार बार नहीं मैं बस वही मैं क्योंकि आप भाई ने उन्होंने तो वर्ल्ड कप खेला है, हमने तो सिर्फ देखा है, हम तो सिर्फ बात करते हैं सुनते हैं अपने प्रोग्राम समझे. मैं एक सवाल वहां से करना चाहूंगा, अगर हम सब भी इसमें बात कर लें चाहे इसमें भी बता दें वापी, एक टीम की तो बात थी पर ये भी बात हो रही है कि 10 बहुत अच्छी टीम है फिर 4 सेमीफाइनलिस्ट या कोई पांचवी टीम आपको लगता है जो चौथे पांचवे का स्पॉट, उस पर मैं जरा सुनना चाहूंगा. चौथे पांचवे का स्कॉट टॉप फोर टीम सेमीफाइनलिस्ट टॉप फोर पूछ रहे हैं. अगर मैं टॉप टीम्स देखूं वर्ल्ड कप की तो अगर आप मेरे से टॉप फोर टीम्स का पूछेंगे तो आई विल से पाकिस्तान, आई विल से इंडिया, आई विल से इंग्लैंड एंड द लास्ट टीम आई वुड से विल बी इन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड का ये देखना पड़ेगा कि व्हाट स्क्वाड दे हैव अनाउंस्ड, केन विलियमसन उसमें है या नहीं, क्योंकि ही हैज ऑलवेज में है केन विलियमसन. आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में जो एक और टीम बड़ा अच्छा कर सकती है इंडियन कंडीशंस में वो अफगानिस्तान है, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते. आई नो इट्स नॉट अ बिग टीम, वेस्ट इंडीज का टेम्परमेंट नहीं है मुझे लगता है ऐसा कि वो 50 ओवर्स की क्रिकेट में अच्छे है. ऑस्ट्रेलिया जो है दे आर ऑलमोस्ट लाइक दे आर हम उनको दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया में किस तरह खेलते हैं इट डिपेंड्स अ लॉट के इंडिया में वो किस तरीके से खेलते हैं, इंडियन कंडीशन में वो कैसे खेलते हैं, ये इशू उनके लिए होगा. लेकिन अदर देन दैट बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, ये वो तीन टीमें हैं और चौथी ऑस्ट्रेलिया आप कर लें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज नॉट बीन कंपेयर्ड विद दैट. लेकिन ये तीन टीमें ऐसे हैं जो कि दे हैव ऑल्सो प्लेड रियली वेल, रियली गुड क्रिकेट. अगर आप देखें एक दफ़ा तो सेमीफाइनल जो था जो इंडिया से वो जीतने वाले थे, जो एक रन रहता था और वो फुल टॉस पे वो प्रॉब्ली मुस्तफीजर आउट हो गए थे और वो सो एशियन टीम्स को आप एशिया के अंदर अंडर एनी कंडीशंस जो है वो आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते. बट फॉर मी आई ऑलवेज सेज पाकिस्तान, आई ऑलवेज इंडिया. इंडिया में बहुत मुश्किल है. The third team will be England and the fourth team I will go with is Australia or New Zealand. क्योंकि New Zealand की team का I don't know bowling attack का बहुत depend करता है कि bowling attack उनका क्या खेल रहा है. Do are they coming up with the best bowling attack? Trent Bolt उसमें है या नहीं है, Saudi है या नहीं है, Jameson. ये सब ये जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना वो लोग हैं, squad announce हो चुका है New Zealand का. अच्छा मैंने नहीं देखा but I'll go with जिस हिसाब से हालात है. देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पाकिस्तान की पुरानी टीम देखी है, वहां पे होता है ना मर्क्यूरियल फैक्टर जिसको लगता है देख के डर लगता है. आज आपकी टीम में क्योंकि नसीम शाह नहीं दिख रहे हैं मुझे सिर्फ दो ही लगते हैं वो मर्क्यूरियल फैक्टर, एक शाहीन शाह आफरीदी और एक फकर जमान. वो आउट ऑफ फॉर्म है फकर जमान, जो भी है मैं मानता हूँ ये होता है ना उनसे डर लगता है कि वो आज वो मारेंगे, हो सकता है वो कल भी मार दे परसों भी रन बनाए, उनका ही है. तो मेरी आप बुरा मत मानिएगा बट मेरी टीम में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टॉप फोर में नहीं आ रहा है क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है कि यहाँ पे बेस्ट टीम है. बस राहुल हम आपकी चार टीमें नहीं सुनना पसंद करेंगे. मैं इसीलिए बोल रहा था भाई, मैं इसीलिए दिस हैज नथिंग टू डू विद सवाल वापस ले रहा हूं. ये गफार भाई पाकिस्तान को राइट ऑफ नहीं कर सकते भाई. वाह भाई मैं एक बात बोलूं आपको, इंडिया पाकिस्तान फाइनल आप जो बात कर रहे हैं वो हो सकता है आपके मुताबिक बिल्कुल ठीक हो और इट्स गुड. लाइक देखिए It is an open discussion. लेकिन आप हमें write off ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ हम मैं बिल्कुल बात बताऊँ
मैं आई विल बी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूंगा। आप सोचिए इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, इससे बड़ी चीज इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, आईसीसी के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, इससे बेहतर चीज कोई नहीं हो सकती है। बट आपने मुझसे, जैसे इस्मा ने भी पूछा कि आपके फेवरेट्स कौन है, मैंने दूसरा नाम सोचा नहीं, बोला नहीं, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया है मेरी फेवरेट टीम। वो इस वक्त जितनी बैलेंस्ड ऑस्ट्रेलिया दिख रही है ना, आप ये देखिए वो ट्रेविस हेड रूल आउट हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। आप देखिए उस टीम में दो खिलाड़ी ऐसे थे जो सिर्फ बॉल नहीं डाल सकते थे, वो एक उनके विकेट कीपर है और एक डेविड वॉर्नर है, हर कोई बॉल डाल सकता है। और वो जो बोल रहे ना मर्क्यूरियल, मुझे डर लगता है कि मैं बाप भाई, आपने उन टीमों का आप हिस्सा रहे हैं जहां पे डर लगता था कि कौन क्या कर देगा। अनफॉर्चुनेटली इस पाकिस्तान टीम से मुझे ये लगता है कि यार आउट ऑफ द ब्लू कुछ नहीं होगा, जो होगा वो सिस्टमैटिक है, वो चलेगा। आप शाहीन ऊपर से विकेट ले ले, डरा के ले ले, वो बात अलग है, वो ले लेंगे, वो मर्क्यूरियल फैक्टर होता है। फकर जमान हो गए, ये सब चीजें मुझे देती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, और ये फॉर्मेट ऐसा है ना, यहाँ पे जो टॉप फोर बेस्ट टीम्स होंगी ना, टॉप फोर वही निकलेंगी। तो अगर टू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इट इज एन ओपन चांस फॉर ऑल द टीम्स के एक मैच अच्छा नहीं खेलना पड़ेगा, टूर्नामेंट अच्छा खेलना पड़ेगा, टूर्नामेंट जीतना होगा। तो अगर पाकिस्तान अच्छी टीम है तो वो टॉप फोर में जाएगी, मुझे ऐसा फिलहाल नहीं लगता है। बट आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर पाकिस्तान टॉप फोर में जाए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए नहीं अच्छा है, ये एशियन क्रिकेट के लिए नहीं अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ ये इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा है, कल को आप हमारे शो के लिए भी अच्छा है कि पाकिस्तान जीती है। नहीं, बिल्कुल, अगर अगर नहीं, बिल्कुल अच्छा है। बाबर आजम आपके कप्तान है, इस पेशावर जलमी के भी कप्तान है, सबके लिए अच्छा है। बट मेरी अगर टॉप फोर पूछे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, मैं इंडिया को अभी भी तीसरे नंबर पे रख रहा हूँ। ओके, आप एशिया कप जीते हैं, मैं अभी भी इंडिया को तीसरे नंबर पे रख रहा हूँ। बट मेरा कहना ये नहीं है कि इंडिया तीसरे नंबर पे ही फिनिश करेगा, चौथी टीम आपकी पता नहीं, मेरे को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में से मैं एक को पिक करूं। ओह, शुड आई फॉरगॉट साउथ अफ्रीका। चौथा नंबर मैं ओपन रख रहा हूँ, चौथा नंबर मैं ओपन रख रहा हूँ। हेनरिक क्लासन आज की डेट में जिस तरह से उन्होंने खेला है लास्ट मैच, बेस्ट बैट्समैन, ही इज द बेस्ट बैट्समैन अगेंस्ट स्पिनर। ठीक है गफार भाई, मैं भी बता देती हूँ, ऑफकोर्स क्योंकि मैं भी दिल के अंदर है एक, मैं इसमें आपसे पता है, मैं यही सोच रहा था, आप ही सवाल पूछते हैं, मैं ही पूछना चाह, मैं सोच रहा था इसमें से ही पूछे। इसमें आओ, इसमें उल्टा बता दें कौन सी चार टीम में बाहर हो जाएगी। खैर राहुल कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज राहुल। मैं अगर आप नहीं भी बताती ना, मैं एक्चुअली सोचने वाला, मैं पूछने वाला था कि इस्मा से भी पूछा जाएगा, क्योंकि वो हमेशा अक्सर सवाल ही पूछती हैं टॉप फोर। इस्मा के मन में भी एट द एंड ऑफ द डे जर्नलिज्म, तो जर्नलिस्ट तो आप भी हैं, तो आपको बोला हो, आप भी सोच रही होंगी यार ये गफार भाई, राहुल क्या बोल रहे हैं, मेरा तो अलग ही है। खैर, तो आप भी बता ही दीजिए। I'll go with, of course, Pakistan, वो एक patriotism रहता है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि जब भी राइट ऑफ किया जाता है, no, of course, जब भी आप किसी टीम को, स्पेशली पाकिस्तान के साथ ये कि जब भी आप उसको राइट ऑफ करते हैं तो वो और स्ट्रॉन्ग होके वापस आता है, और इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं अगर हम पास्ट में देखें। And I'll go with, इंग्लैंड, of course, साउथ अफ्रीका, आपने जैसे मैंशन किया जिस तरह से अभी उनका मिडल ऑर्डर खेल रहा है, I've been witnessing them, तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका भी अच्छा कर सकती है यहाँ पे, and then I'll go with New Zealand. No Australia. वाह। अच्छा, इस वाला सवाल मेरा था, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, लेकिन एक पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जो एक फैक्टर है, एक राइवलरी कह लें, एक उसकी जो जीत हार का असर होता है किसी मिड टूर्नामेंट में, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, आई नो कि इस वक्त ये शायद पाकिस्तान के परफॉर्मर्स या इंडिया की जो इस पर बहुत अच्छी परफॉर्मर्स है उसको देख के शायद इतना ना लगे, लेकिन आप फील करेंगे जब 12-13 अक्टूबर आएगी और 14 अक्टूबर को ये मैच हो रहा है, आपको एकदम से ना वो चीजें याद आना शुरू हो जाएंगी कि पाकिस्तान में नसीम शाह होंगे या नहीं होंगे, बट स्टिल वही मॉडर्नस टीम है जिसने भारत को पिछले एक दो सालों में ना सिर्फ हराया बल्कि टफ टाइम दिया, और बहुत हफ्ते बाद बहुत कंपेटिटिव होकर यहाँ तक थोड़ा सा साइकोलॉजिकली चीजें भी हमारी बॉलिंग की आने लग गई थी, तो वो इतनी जल्दी जाएंगी नहीं, लेकिन सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन हमने अभी तक इंडिया को वनडे क्रिकेट में नहीं हराया, तो टी20 क्रिकेट हरा दिया था,
जैसा हमने T20 में हराया था भाई, वो भी होगा इंपॉर्टेंट है। आप पाकिस्तान को पाकिस्तान इंडिया को हराएगी, सब कुछ होगा। मैं तो कह रहा हूँ, जैसे एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने बोला था कि यार देखो ऐसा नहीं हुआ है कि हमने वर्ल्ड कप में कभी पाकिस्तान से नहीं हारा है, हम हारेंगे भी एक दिन, ये तो होगा। आज नहीं होगा, एक साल बाद होगा, एक साल बाद नहीं, दो, पांच, छह साल, आठ। मुझे तो अभी भी लगता है नसीम शाह जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं तो कह रहा हूँ कि नसीम शाह और हारिस रौफ ये अंडर रेटेड है, क्योंकि शाहीन की नथिंग अगेंस्ट, शाहीन बहुत अच्छे बॉलर हैं, बट ये जो लोग हैं ना नसीम शाह और हारिस रॉफ जो बीच में विकेट दे रहे हैं आपको, नसीम शाह वाज अनलकी जो उनको इंडिया के खिलाफ जब इंडिया ने 350 रन बना दिए उस दिन उनको विकेट नहीं मिली इतना अच्छा बॉल डालने के बावजूद, तो वो तो अनलकी है। मैं अगर आपने मुझसे पूछा मैं तो आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आपने पेट्रियोटिज्म ये वो, मैं तो कह रहा हूँ मैं आई एम बीइंग वेरी वेरी न्यूट्रल, इसीलिए मैंने इंडिया को भी नंबर 3 रखा है। मैंने बोला कि इंडिया फेवरेट बन गया, इंडिया ही जीतेगा। मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया आर द फेवरेट्स, देन इंग्लैंड, फिर शायद से इंडिया और इंग्लैंड को आप 2-3 रख लीजिए, उसके बाद चौथी टीम आती है, चौथी इज एन ओपन स्पॉट में भी। ठीक है, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपका हमारा इस शो में साथ देने का। आपने मैंने सवाल किया था, मेरी चार टीमें तो सुन ले आप सब यार। यार देखिए मुझे लगा कि जैसे मैं सवाल करती हूँ तो फिर मुझे जवाब देने की इजाजत नहीं होती, बाहर ने तो नहीं, तुम नहीं कहो। मैं सिर्फ उस चीज को लिंक कर रहा था कि जो पाकिस्तान के लिए आई थिंक जो आपका इंडिया वाला मैच है, आई थिंक वो बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी जो एक साइकोलॉजिकली डाउन लग रही है, आपको लग रहा है कि वनडे फॉर्मेट में भी हमें और बेहतर होना है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। आपको दो पहले इजी मैच कह रहे हैं, मतलब आपके बहुत ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच बाद में और इंडिया आपका तीसरा मैच है। मुझे ऐसे लगता है कि वो मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो राहुल ने बात की मैं उससे एग्री करूंगा। आई थिंक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तो इस वक्त सबको ही बहुत अच्छी टीमें लग रही है और वाकई दे आर डिजर्विंग, बट जो साउथ अफ्रीका में उनकी जो आप एक कंप्लीट टीम के तौर पे अगर आप उनको देखते हो कि उनके पास जो ओपनिंग में एक स्लैम पॉइंट्स है, उनके पास मिड ऑर्डर है, दे हैव क्वालिटी स्पिनर्स, दे हैव वेरी गुड पेस बैटरी, बट हमेशा की तरह कुछ चीजें परमानेंट चलती हैं बहुत सारी टीमों के साथ, जैसे कि मे बी आप कुछ बड़े मैचेस में एशियन टीमों को या उनके स्पिनर्स को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिडल ओवर्स में क्रम्बल होता हुआ देखेंगे। हमने देखा है एशियन कंडीशन में, ये पहली बार तब नहीं होगा। इसी तरह हमने साउथ अफ्रीका को खास तौर पर जो उन्होंने अभी वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान के लिए जो काम किया था उसके बाद तो मेरा ईमान इस बात पर मुकम्मल हो चुका है कि वो कभी भी किसी भी वर्ल्ड कप में कुछ भी उल्टा कर सकते हैं। तो ये चीजें आप मिस आउट नहीं कर सकते, ये टीमों को याद रहती है अपने लिए साइकोलॉजिकली, बट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान और इंडिया, दोनों इन दोनों में से मुझे कोई एक जाता हुआ दिखाई देता है पाकिस्तान इंडिया में। ठीक है गाइस, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आई होप किसी का कोई सवाल नहीं रहता होगा, खत्म कर दूं मैं शो। इजाजत है मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, उम्मीद है कि अगले किसी प्रोग्राम में, अगले किसी ट्रांसमिशन में हम लोग फिर ऐसे जुड़ेंगे और फिर ऐसी गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखें आप लोग अपना। That's all from today's show. अपना बहुत ख्याल रखिए, मुलाकात होती है आपसे अगले एपिसोड में। Till then, अल्लाह हाफिज।